ठीक है मिश्रा जी, पूरी सब सब डिबेट आपने सुन लिया। वो बोल रहे हैं उन्होंने माफी मांगा, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि मिश्रा जी किसी ने आश्वस्त नहीं किया। अंजनी देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे जो नेता हैं और जो पार्टियां हैं ना, ये देश की समस्याओं से नहीं लड़ते हैं, ये आपस में लड़ते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, पक्ष ने विपक्ष से, विपक्ष ने पक्ष से, इन्होंने उनसे, उन्होंने उससे, प्रश्न का जब जवाब नहीं दिया, प्रश्न के बदले में प्रश्न पूछ लिया, हो गया, कोविड की वैक्सीन बना दी इन्होंने। तो कोरोना से लड़ने और उससे घबराने की क्या जरूरत है? हमारे नेता तो डिबेट में, भाषणों में एक दूसरे से सवाल पूछ करके जो दुनिया नहीं कर पाई, ये वैक्सीन इन्होंने बना दी है। और शायद ये इसीलिए सोच रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाने की बात जरूरत नहीं है, वैक्सीन बनेगी तो ऐसे ही बनेगी कि सत्ता पक्ष और एक दूसरे से सवाल पूछ लो। मैं एक चीज और बताऊंगा, जनवरी की बात है और ऐसी खबरें ये हैं कि दुनिया के कई देश, जब ये कोरोना फैला था तो उन्होंने अपनी जासूसी संस्थाओं को, मैं मोसाद का नाम लूंगा, इस काम पे लगाया कि दुनिया में कहीं पे भी मास्क हो, वेंटिलेटर हो, आप उसकी सप्लाई को मोड़ करके अपने देश में लेके आओ। और उन्होंने बखूबी सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपने देश में हॉस्पिटलों तक पहुंचाया और कैसे कैसे उन्होंने मिशन को अंजाम दिया। और यहां मिशन क्या चल रहा है, आपने ये किया तो हमने वो किया। कोरोना से मैं तो बोलूंगा कि इन अगर राजनेताओं पे आप भरोसा करते हो ना, तो कोरोना से आप डरिए ही मत साहब। छोड़िए सारे पक्ष विपक्ष की जितनी बातें हैं, इनकी बातें सुन लीजिए, वो वैक्सीन से ज्यादा बढ़िया काम करेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। चुके चलिए संजय जी, मिश्रा जी 10 सेकंड अपना क्लोजिंग। देखिए, न रिसोर्सेस की कमी है इस देश में, न गाइडलाइंस की कमी है। कमी है तो केवल जो लोगों के बीच सामंजस्य, सिंक, डिफरेंट डिपार्टमेंट, पक्ष विपक्ष की पार्टियों में सिंक करने की कमी है और ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करने की। मैं एक चीज और बोलूंगा, एक भी नेता बाहर नहीं निकला है, जाके डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स की, पुलिस वालों से मिला नहीं है, उनकी हौसला अफजाई नहीं किया, सब ऐसी ऑफिस में बैठ के टेलीकॉस्ट कर रहे हैं डर के मारे। अच्छा, इलाज करने कौन जाएगा? डॉक्टरों की ड्यूटी 20-20 घंटे की लगा दी है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं, तो ऐसे कोरोना से लड़ा जाएगा? हर आदमी को अपना किरदार निभाना है, मंत्री हो चाहे संतरी हो। बिल्कुल, कि एक के बगल एक हॉस्पिटल्स में डेड बॉडी पड़ी हुई है, रिसोर्सेज, जगह, डॉक्टर्स वगैरह कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं है। मैं बोलता हूं कि ये पेंडेमिक और इन सब चीजों को देखा जाए, सारी मशीनरी, मैंने इसीलिए बोला कि गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी है, 70 साल में जितना इस देश का विकास हुआ है हेल्थ केयर में, साइकोलॉजी का, आप सोसाइटी का देखिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देखिए, सबकी अग्नि परीक्षा यहां पे होगी। केवल अपने देश में नहीं, हर देश में हो रही है। जो सरकारें जितना दंभ भरती थी कि हमने ये किया, हम नंबर वन है, हम नंबर दो है, ये सबकी अग्नि परीक्षा हो रही है यहाँ पे। हमारे साथ ए के मिश्रा जी स्टूडियो में है, राजनीतिक समीक्षक है, विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी, आपने सबको सुना, शिवसेना और कांग्रेस चूंकि आज गठबंधन में है, दोनों के सुर एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन एके मिश्रा जी, ये तस्वीर देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आते हैं? लगातार हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, हम लगातार कोशिश करें कि हम इटली और अमेरिका ना बने, लेकिन ये व्यवस्था देखने के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये करेंगे। हाँ, ये देखने के बाद हमें ये लगता है ना, कोरोना कि मानव वर्सेस नेचर में अगर जब कभी लड़ाई होती है, प्रतियोगिता होती है, तो आदमी और उसकी जो है वैज्ञानिक डेवलपमेंट कितनी कमजोर है, कितनी तुच्छ है। आज हमारे यहाँ ये ऐसा पहला केस हुआ है, अमेरिका वगैरह में ये चीज शायद 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले से हो रहा है, इटली वगैरह में। जब कोरोना शुरू हुआ था 15-20 मरीज थे देश में, उसके बाद सारी सरकार रही है, आप किसी पार्टी को इसमें मत घसीटिए, सारी सरकार और सारे के सारे जो स्टेट के डॉक्टर्स या जो व्यवस्था थे, दम्भ भर रहे थे कि हम जो है बहुत ही चौकन्ने हैं और आप चिंता मत करिए, सारी व्यवस्थाएं हैं, हर चीज है। और ऐसी खबरें थी कि सारे स्टेट की सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं कर ली हैं। लेकिन धीरे धीरे, और बात मैं करूंगा, 70 साल में इस देश का विकास कितना हुआ है, जितने भी पार्टी हैं, मैं सबको मिला के, इनकी कलई खुल रही है। इनफैक्ट जब ऐसी महामारी आती है ना, तो सरकार और ये जितना विकास के दावे किए जाते हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा होती है। एक चीज मैं और बोलूंगा, देखिए अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करिए, तो जब कोई पेंडेमिक या महामारी या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो एक होता है कि फर्स्ट इंपैक्ट, मतलब फर्स्ट लेयर की जो प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट लेयर की प्रॉब्लम आई थी, गवर्नमेंट ने उसको मैनेज करने की कोशिश की, सब कुछ बंद कर दिया, ट्रेन वगैरह बंद कर दिया, तो वो फर्स्ट इंपैक्ट था। देखिए, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के जो चैलेंजेस आते हैं ना,
उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। और अब सेकेंडरी लेवल का चैलेंज शुरू हुआ है भारत में, अमेरिका वगैरह में पहले था। देखिए सेकेंडरी लेवल के चैलेंज क्या होते हैं कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा, संख्या जो है मरीजों की बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ेंगे या बहुत ज्यादा मरीज जाएंगे। फिर जो आज आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है कि 5 डेड बॉडी पड़ी हुई है, देखिए आपने एक सवाल पूछा, गाइडलाइन नहीं है क्या? गाइडलाइन सब कुछ है, प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन की, प्रॉब्लम है रिसोर्सों की कमी हो जाती है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल की प्रॉब्लम। इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी, रिसोर्सेज देश में है, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसपोर्टेशन का आप मामला लीजिए, हर स्टेट के पास 2500-5000 बसें हैं, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेन है, रेलवे है, लेकिन हम लोग फंसे हुए मजदूरों को यहां से वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पैसा कौन देगा? सारी पार्टियों में इस चीज पे झगड़ा हो रहा है, ये सेकेंडरी लेयर की प्रॉब्लम है। और भगवान ना करे, मतलब मैं बोलूंगा भगवान ना करे कि कहीं ऐसा हो कि ये सेकेंडरी लेवल के लेवल की जो प्रॉब्लम है बहुत हायर एंड पे पहुंच जाए और क्रॉस होने के बाद वो टर्शरी लेवल में अगर ये फॉल कर गया ना, तो चाहे अमेरिका की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, उसको मैनेज करना हमारे बस के बाहर हो जाएगा। ऐसा हो ना, ये मेरी कामना है। और एक चीज और जोड़ूंगा, केवल सरकार के भरोसे मत रहिए, मैं जनता से भी बोलूंगा, सारे दुनिया भर की सरकारें मिलकर नहीं कर पा रही हैं। अगर हम सचेत हैं, हमें सरकार को, सरकार के साथ हमें सहयोग करना चाहिए। सबसे बड़ा ये है हम अपने आप को बचा लें, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा चैलेंज हम यहीं पे जो है अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, देश को। शराब की दुकानें खुली, सुनिए एक लाइन और सुन लीजिए, शराब की दुकानें खुली तो क्या जनता का, जो लोग लाइन में लगे थे, उनका कर्तव्य नहीं था कि हम मास्क लगाएं और डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करें? तो सरकार और जनता दोनों की ये बराबर की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसकी वजह से अगर मरीजों की मौत होती है तो उनके शव का क्या होगा? क्योंकि डीन डॉक्टर इंगले ने साफ साफ कहा है कि बीएमसी और सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आखिर हम इस लेवल पर तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मिश्रा जी, देखिए हमने आपको बोला था राजनीति से हटके हम साइंटिफिक एनालिसिस करें। नहीं नहीं सर, ये तैयारी क्यों नहीं होनी चाहिए जब हम आयुष्मान वार्ड बना रहे हैं? आप समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए जब जब मौत हो जा रही है उसके बाद की, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर हम ले जाएंगे, अगर हम ले जाएंगे, देखिए है क्या, गाइडलाइंस हैं, प्रोविजंस हैं, कानून की किताबें भरी हैं, मेडिकल चार्टर भरा हुआ है, जॉब क्या होनी चाहिए डॉक्टर की लिखा हुआ है, भरा हुआ है। प्रॉब्लम ये गाइडलाइन की नहीं है, प्रॉब्लम ये यहाँ पे है एग्जीक्यूशन की। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखिए होता क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली भी अगर किसी हॉस्पिटल में अगर डेड किसी की डेथ होती है, डेड बॉडी को ASAP जितने जल्दी हो सके डिस्पोज किया जाता है, मतलब कॉमन एरिया से हटाया जाता है, लोगों की निगाहों से हटाया जाता है। हाँ। ताकि लोगों का साइकोलॉजिकल जो है एक बिहेवियर भी ना बदले और उसके साथ साथ अगर इन्फेक्शन होना हो तो किसी दूसरे को ना हो, निगेटिविटी ना फैले। इन केस अगर इतना इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे ये महामारी टाइप वगैरह का, तो इन सब में तो क्लियर कट WHO हर स्टेट की, हर हॉस्पिटल की, हर आदमी की अपनी गाइडलाइन होती है कि इमीडिएट उसको हटाइए। हटाने के बाद क्या होता है, एक सेफ जोन में ले जाकर के पूरी बॉडी को थॉरोली डिसइंफेक्ट करके पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद आप उसको मोर्चरी में रख ले, जैसे आपने बोला कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है फैमिली का, आप उसको मोर्चरी में रख सकते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन। यहां प्रॉब्लम क्या है, डीन बोल रहे हैं कौन करे, हम करें, वो करें, ये नहीं है वो नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है डिसीजन को एग्जीक्यूट कौन करे और कैसे करे। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन नहीं है, ये बोलना गलत है कि गाइडलाइन नहीं है। दूसरा प्रेशर ये होता है कि आपके पास वर्कलोड इतना आना शुरू हो जाता है, जैसे अमेरिका वगैरह में हो रहा है कि एक के बगल एक हॉस्पिटल्स में डेड बॉडी पड़ी हुई है, रिसोर्सेस, जगह, डॉक्टर्स वगैरह कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं है, मैं बोलता हूं कि ये पेंडेमिक और इन सब चीजों को देखा जाए, सारी मशीनरी, मैंने इसीलिए बोला कि गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी है, 70 साल में जितना इस देश का विकास हुआ है हेल्थ केयर में, साइकोलॉजी का, आप सोसाइटी का देखिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देखिए, सबकी अग्नि परीक्षा यहां पे होगी, केवल अपने देश में नहीं हर देश में हो रही है। जो सरकारें जितना दंभ भरती थी कि हमने ये किया, हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है, ये सबकी अग्नि परीक्षा हो रही है यहाँ पे। ₹700 की जगह ₹200 लिया गया, वो वीडियो तो नहीं दिखाया, वो टिकट का, रेलवे का लाइव वीडियो लाइए, आप वीडियो लाइए, अगले डिबेट उस पर कर लेंगे। ठीक है मिश्रा जी,
पूरी सब सब डिबेट आपने सुन लिया। वो बोल रहे हैं उन्होंने माफी मांगा, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जो हालात हुए हैं ये बहुत भयावह है, आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि इन हालात से हम निपट सके, चाहे शिवसेना के हो चाहे कांग्रेस के हो, किसी ने आश्वस्त नहीं किया। अंजनी देखिए ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे जो नेता है और जो पार्टियां हैं ना ये देश की समस्याओं से नहीं लड़ते हैं, ये आपस में लड़ते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, पक्ष ने विपक्ष से, विपक्ष ने पक्ष से, इन्होंने उनसे, उन्होंने उससे, प्रश्न का जब जवाब नहीं दिया, प्रश्न के बदले में प्रश्न पूछ लिया, हो गया कोविड की वैक्सीन बना दी इन्होंने। तो कोरोना से लड़ने और उससे घबराने की क्या जरूरत है? हमारे नेता तो डिबेट में, भाषणों में एक दूसरे से सवाल पूछ करके जो दुनिया नहीं कर पाई, ये वैक्सीन इन्होंने बना दी है। और शायद ये इसीलिए सोच रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाने की बात जरूरत नहीं है, वैक्सीन बनेगी तो ऐसे ही बनेगी कि सत्ता पक्ष और एक दूसरे से सवाल पूछ लो। मैं एक चीज और बताऊंगा, जनवरी की बात है और ऐसी खबरें ये हैं कि दुनिया के कई देश जब ये कोरोना फैला था तो उन्होंने अपनी जासूसी संस्थाओं को, मैं मोसाद का नाम लूंगा, इस काम पे लगाया कि दुनिया में कहीं पे भी मास्क हो, वेंटिलेटर हो, आप उसकी सप्लाई को मोड़ करके अपने देश में लेके आओ, और उन्होंने बखूबी सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपने देश में हॉस्पिटलों तक पहुंचाया और कैसे कैसे उन्होंने मिशन को अंजाम दिया। और यहां मिशन क्या चल रहा है, आपने ये किया तो हमने वो किया, कोरोना ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि इन अगर राजनेताओं पे आप भरोसा करते हो ना तो कोरोना से आप डरिए ही मत साहब, छोड़िए सारे पक्ष विपक्ष की जितनी बातें हैं, इनकी बातें सुन लीजिए, वो वैक्सीन से ज्यादा बढ़िया काम करेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। चुके चलिए संजय जी, मिश्रा जी 10 सेकंड अपना क्लोजिंग। देखिए न रिसोर्सेस की कमी है इस देश में, न गाइडलाइंस की कमी है, कमी है तो केवल जो लोगों के बीच सामंजस्य, सिंक, डिफरेंट डिपार्टमेंट, पक्ष विपक्ष की पार्टियों में सिंक करने की कमी है और ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करने की। मैं एक चीज और बोलूंगा, एक भी नेता बाहर नहीं निकला है, जाके डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स की, पुलिस वालों से मिला नहीं है, उनकी हौसला अफजाई नहीं किया, सब ऐसी ऑफिस में बैठ के टेलीकॉस्ट कर रहे हैं डर के मारे। अच्छा इलाज करने कौन जाएगा? डॉक्टरों की ड्यूटी 20-20 घंटे की लगा दी है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं, तो ऐसे कोरोना से लड़ा जाएगा? हर आदमी को अपना किरदार निभाना है, मंत्री हो चाहे संतरी हो। बिल्कुल।